Hello friends, welcome to my YouTube channel. Directly coming on to the point, BPSC seems more active nowadays, so you too need to be active. मैंने previous year का paper का analysis किया है, तो सोचा इसको share करना चाहिए, क्योंकि बिना analysis के पढ़ने से efficiency थोड़ी कम होती है. So let's start. Static portion पे आते हैं, और मैं ये India perspective के लिए बात कर रहा हूँ, मैं बिहार वाले perspective के लिए आगे बात करूँगा. तो इसमें स्टैटिक पोर्शन में टोटल क्वेश्चन 70 थे. मैं 63rd बीपीएससी के बात कर रहा हूँ. 63rd बीपीएससी पेपर जो भी हुई है इस साल जुलाई में हुई थी, 1 जुलाई को. तो उसमें टोटल क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन के 70 थे. उसमें से ब्रेकअप था, हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 16 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के 9 क्वेश्चन थे. मैं इंडिविजुअली भी बात करूंगा कि जैसे हिस्ट्री में एंशियंट के कितने पार्ट थे, मेडिवल के कितने पार्ट थे, मॉडर्न के कितने पार्ट थे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा. और वो स्टैटिक पोर्शन जो बिहार पर्सपेक्टिव से थे वो टोटल क्वेश्चन 16 थे. तो अब हिस्ट्री का मैं इंडिविजुअली बात करता हूँ. हिस्ट्री में जो इंडिया पर्सपेक्टिव की जो थी क्वेश्चन, उसमें टोटल क्वेश्चन वो 30 थे, मैंने जैसा पहले बोला. इसमें एंशियंट हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन थे, मिडाइवल हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन थे, मॉडर्न हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन थे. तो इसमें अब देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो उन्होंने ये मॉडर्न हिस्ट्री को दिया है. और इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं वो इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर हैं. तो इसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर का अलग से नहीं लिखा है, एनालिसिस नहीं किया है, ये उसी में इंक्लूड करके किया है. और अब बिहार पर्सपेक्टिव की बात करें हिस्ट्री में, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के थे, ज़्यादातर के पूरे ही मॉडर्न हिस्ट्री के थे 63rd वाले बीपीएससी के पेपर में. ज्योग्राफी की बात करें जो इंडिया पर्सपेक्टिव की है, तो इसमें टोटल क्वेश्चन उन्होंने 11 पूछे थे. और इसमें जो 11 क्वेश्चन थे उसमें इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्वेश्चन रिलेटेड टू फॉरेस्ट रिपोर्ट, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, रिवर्स, माइन लोकेशन. जैसे उन्होंने पूछा था कि रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो सबसे हाईएस्ट रबर प्रोड्यूसिंग कौन सी स्टेट है, तो ऐसा उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछा था हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट में. तो और ये हर साल ये पूछते हैं ऐसा, तो इन सब एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है आपको. और माइंस लोकेशन से पूछा था कि जैसे कॉपर माइंस कहाँ लोकेटेड है, ऐसा करके. तो ये टोटल 11 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से जो इंडिया पर्सपेक्टिव से थे. अब ज्योग्राफी वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की बात करें तो टोटल क्वेश्चन उन्होंने 4 पूछे थे. जैसे और इसमें से मैप के बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन थे कि जैसे ये कहाँ लोकेटेड, जैसे उन्होंने पूछा था कोकोस प्लेट कहाँ है लोकेटेड, फिर उन्होंने रस्ट बॉल के बारे में पूछा था, फिर एक पूछा था कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड पूछा था. तो ऐसे उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे थे. नेक्स्ट अब ज्योग्राफी बिहार पर्सपेक्टिव की बात करें तो टोटल क्वेश्चन उन्होंने 8 पूछे थे. 8 में से ये जो क्वेश्चन थे वो रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस थे, मोनूमेंट्स थे, ETC. तो इसमें ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं बिहार पर्सपेक्टिव से उन्होंने कम ही पूछा है, 8 क्वेश्चन पूछा है, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट है. अब पॉलिटी की बात करें तो इंडिया पर्सपेक्टिव से टोटल उन्होंने 16 क्वेश्चन पूछे थे पॉलिटी से. और ये आप लक्ष्मीकांत कर लोगे तो इतना काफ़ी है. नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के देखें तो इंडिया पर्सपेक्टिव से उन्होंने टोटल 9 क्वेश्चन पूछे थे. फिर उन्होंने एक सेंसस और डेटा से उन्होंने पूछा था, इसमें बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन भी मैंने वो एनालिसिस में इंक्लूड कर लिया है. तो टोटल क्वेश्चन ये 6 थे. इसमें से जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन बिहार इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स, तो ऐसा उन्होंने पूछा था. हालांकि ये क्वेश्चन आप ऐसा ही बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स के सेक्शन से भी ये रिलेटेड है, पर ये सेंसस मैंने इसको रखा है. अब करेंट अफेयर्स की बात करें तो टोटल क्वेश्चन उन्होंने 29 पूछे थे 63rd बीपीएससी में. और इसमें अगर ब्रेकअप देखें करेंट अफेयर्स का तो इंटरनेशनल में, जिसमें कि इंक्लूडिंग अवार्ड्स, प्राइजेज, थीम्स जैसे उन्होंने पूछा था फॉरेस्ट का, इस बार का थीम क्या, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे का थीम क्या है, फिर पर्सनैलिटी, तो ये 5 क्वेश्चन थे. नेशनल करेंट अफेयर्स से बात करें इंक्लूडिंग स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अवार्ड्स हैं, तो ये टोटल 18 क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन. रैंकिंग इंडेक्स का एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से ज़्यादा पूछा था, जिसकी 138 रैंक है. ये रैंकिंग इंडेक्स है वो हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं, पिछली बार उन्होंने 63rd में एक क्वेश्चन पूछा था. इकोनॉमिक्स से बात करें तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, जो पूछा था कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ RBI, तो ये एक ही क्वेश्चन थे उससे करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स से. नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो ये हर साल ये पूछते हैं एक क्वेश्चन,
ये इस बार भी उन्होंने पूछा था, हरी माव शक्ति पूछा था। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा था, और बिहार स्पेसिफिक एक उन्होंने पूछा था, गुल्लक बच्चा बैंक करके पूछा था। तो ये करंट अफेयर्स का था। नेक्स्ट अगर बात करें मैथ्स एंड रीजनिंग की, तो इसमें उन्होंने टोटल को, ये तो हर बार ही फिक्स रहता है, टोटल क्वेश्चन 10 आता है। जैसे पिछले बार का ब्रेकअप ये था 63rd बीपीएससी का, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से दो क्वेश्चन पूछे थे, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, नंबर सिस्टम के दो थे क्वेश्चन, बोर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था, और शेयर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे, और एक उन्होंने पाई चार्ट दिया था उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था। फिर नेक्स्ट साइंस की अगर बात करें तो टोटल क्वेश्चन 20 है, हर बार ये भी फिक्स होता है, 20 ही क्वेश्चन पूछते हैं वो। फिजिक्स से एक ही क्वेश्चन था इस बार बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा था उन्होंने फिजिक्स से, मतलब एक ही था 20 में। केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, सबसे ज़्यादा शेयर केमिस्ट्री का ही था, तो 15 था। बायोलॉजी का उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछा था, तो लेकिन ये हर साल ये चेंज होता रहता है, कोई ज़रूरी नहीं केमिस्ट्री वो हर साल ज़्यादा ही पूछे, कभी बायो पूछ लेते हैं ज़्यादा, कभी फिजिक्स ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो लेकिन ये टोटल मिला के इनका 20 क्वेश्चन रहता है, तो आपको इस हिसाब से तैयारी करना है। मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है एनालिसिस बताना, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सर।